जो लोग हमसे सबूत मांग रहे थे ना, किरण अरमान मलिक से मिली है कि नहीं उसका सबूत दो, तो फिर ये सुन लो, यहाँ पे कृतिका मलिक के पापा आज हमारी लाइव में आए थे, हमारे चैनल पे, हमारे पैनल पे, और वो खुद बोल के गए हैं कि हम कायनात से, मतलब किरण से जो कहेंगे वही करेगी। किस लिए करेगी? सब व्यूज़ दिलवाने के लिए। तो सुनिए उन्हीं की जबानी, इसके आगे उनकी ऑडियो क्लिपिंग आपको सुनने मिलेगी, ज़रा ध्यान से सुनिए। और जिनको पूरी लाइव देखनी है और भी कुछ जानना है तो पूरी लाइव देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब उनकी जुबानी आप खुद सुनो, कृतिका मल्लिक के पापा की जुबानी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ नमस्कार मदन जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ मदन जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप इनकी गंदी लाइफ से निकल गए। बहुत अच्छा किया कि इन गंदी लाइफ से निकल गए। वो देखो, आपसे हमारी कोई वो नहीं है कि दुश्मनी नहीं, हो या कोई सही बैर में हो। सही में सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, हमारा किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। हम इससे, इसकी जी लाइफ मदन चलती जी, थी, 11 साल की बच्ची का लेके हम घुसे थे तो देखते थे। जी बाद में जब जुड़े तब इसकी गंदगियां पता चली। हमें तो किसी का मतलब पता भी नहीं था, किसको गाली दे रहे, क्या कर रहे, मतलब सबको सिखा रही है। मुझे बोला गया, ये हुआ वो हुआ, मतलब इतने लोगों का इसने मतलब ब्रेन वॉश किया। और जब भी मतलब इसका मतलब ये सब चलता था, बाकी तो मैंने सारा डाला ही, आप लोग पढ़ सकते हैं कैसे लोगों को ये भड़काती। हम नहीं क्यों किसी को इतने लोगों देखो, को वो बताओ सर। आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। मतलब नहीं, देखो आप बुरा मत मानना, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो। कोई आप मेरे से बड़े नहीं हो, छोटे ही हो। छोटे भाई हो, छोटे भाई को एक समझाने का फर्ज होता है कि आपने उसके कहने पे किरण रंडी, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा आपको। किरण रंडी के कहने सुन के लो आप, आपने किरण रंडी के कहने आपने कि बोला आपने कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे, वो उसने आपने नहीं बोला, आपको बुलवाया गया है। आपको बुलवाया गया है उस किरण नंदी ने, आपको बुलवाया गया है कि आपको बोलो कि आपकी सास आ गई, ये गुरु आ गई, ये आ गया, वो आ गया। आपने बोला है उसके कहने के ऊपर, ठीक नहीं है। सर, वो मैं क्लियर करता हूँ, वो कैसे आप हुआ था। बुरा देखो, ना, उस दिन बोला गया था कि इस पे बात करो, तो पैनल पे लोगों ने आके कह दिया कि आपकी सास है, ये है, वो है, मतलब लोग भी मुझे इसमें चढ़ा देते थे बहुत, जो पैनल पे आती थी जी। लेडीज और थी। देखो बोलिए हाँ सर। वो ठीक है, मैंने अगर किसी उसका को कुछ पहले भी कहा, पहले ठीक। मैं दिल से ललिता जी को भी सॉरी बोलता हूँ, बाकी जो भी लेडीज को दिया गया सबको सॉरी नहीं बोलता हूँ, हो नहीं 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 सकेगा देखो, हम भी, मैं भी सारी लेडीज से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी सबको सॉरी सॉरी बोलता हूँ। हमने आज तक कभी किसी को बुरा नहीं बोला, ना ही अपने ब्लॉग में कि बुरा बोला किसी लेडीज को, ना ही हमने किसी को फ्रंट फ्रंट बुरा बोला है, ना ही हम कभी किसी को लेडीज को बुरा बोलेंगे। ठीक है। आपको आपसे मेरे को बुलवा एक बात बोलना है सर, आप अभी पैनल पर आए हैं ना, आप जी सबसे पहला तो ये बताइए कि आपको हम में से किसी ने कांटेक्ट करके यहाँ बोला है आने के लिए। और आप एक हेल्प कर नहीं दीजिए, आप एक हेल्प नहीं करिए, आप एक हेल्प करिए, ये ना आप नहीं प्लीज कंफर्म करिए क्या हमने अरमान मलिक से किसी ने भी हम में से पैसे लिए, क्या हम उसके कांटेक्ट में हैं। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या नहीं होता है, जो इंसान किरण के नहीं खिलाफ हो जाता है ना, तो किरण ऐसे मूड पे नहीं करती है कि हम रुक गए। आपकी नहीं शर्त नहीं को पूरा मैडम, बोलने नहीं दो, सर को बोलने दो। मैडम, नहीं मैडम, किसी ने नहीं बोला। आप मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए, या फिर आप जितना मर्जी बोल लीजिए, सिर्फ मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए। आप बोलिए बोलिए। सिर्फ मैं हाँ मदन जी सर, की आप बात कर रहा हूँ, बोलिए। सिर्फ मदन जी को बुलवाया गया है, जबरदस्ती बुलवाया गया है मदन जी को कि आप ऐसे बुरा बोलो ऐसे बुरा बोलो। अच्छा सबसे बढ़िया मेरे को जो जब वो लगा, जब मदन जी ने इसका खुलासा किया, पूरा इसको खोल दिया कि आप इसी सास के बारे में बोलो ये बोलो, उसके बारे में एकदम अचानक मदन जी चेंज हो गए। मदन जी बोला मैं तो नंगड़ उसका नंगड़ करूंगा, मदन जी ने बिल्कुल नंगड़ उसका नंगड़ कर दिया। मेरे को तो लास्ट में सबसे अच्छा वही लगा, और मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो मदन जी ने बोला, मेरे को ये अच्छा लगा। सिर्फ मैं मदन जी नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे छोटे ब्रदर है, एज ए लाइक छोटे ब्रदर है, मैं इसलिए यही बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बोला बहुत अच्छा बोला। अब आप बोलिए। सर देखिए, मेरा जो अभी है ये चैनल है, मैं ये कायनात की बजाऊंगा अच्छे से, इसको भगा के ही छोड़ूंगा। और बाकी मुझे कोई भी यूट्यूबर यहाँ पे किसी का भी रोस्ट नहीं करना, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर मैंने किसी को भी इस हरामजादी के इन्फ्लुएंस में आके किसी को भी गाली दी है, मैं उसको दिल से उन सारे लोगों को, मतलब लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, जो भी हो, सबसे सॉरी बोलता हूँ।
मैं मतलब एकदम मतलब दिल से सॉरी बोलता हूँ, मतलब इसमें मतलब कुछ भी मेरा मतलब दिल में कोई भी किसी के लिए कोई मैल नहीं है, और आप आए सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपको भी मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं नहीं मतलब जी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। देखो आपकी इतनी बड़ी उम्र है, आप किसी को गाली नहीं दे नहीं सकते, क्यों हम भी किसी को कभी हम भी किसी को ना फेस टू फेस गाली देते हैं, ना कभी किसी को ब्लॉग में गाली देते हैं, और ना ही आप गाली दे सकते हो, क्यों गाली एक बुलवाने वाला होता है, वो गाली बुलवाता है तो इंसान गाली बोलते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए सर, आप कृतिका के पापा हैं क्या? जी शायद शायद ठीक है, नहीं आपसे बस मेरा वो सवाल जो है ना, आप प्लीज वो क्लियर करवाइए पब्लिक को, नहीं पब्लिक को आप प्लीज वो क्लियर करवाइए कि यहाँ पर लोग जो है आज का पैटर्न ये रहा है, ये होता है कि किरण के खिलाफ जो भी इंसान कोई बोलता है ना तो सबको ये बोलती है कि वो बिक गया, जबकि बिकी ये थी 7 लाख रुपए में जो सुनीता दीदी ने खुद बोला था। तो आप प्लीज ये क्लियर करवाइए क्या हमने अरमान से कभी कोई कॉन्टेक्ट, किसी से भी कोई कॉन्टेक्ट किया है क्या? अगर हाँ तो प्लीज एक प्रूफ ला के दे दो, नीचे जितने कमेंट में बोलते हैं वो भी, और प्लीज आप भी बात जरा क्लियर करें। जी हमने किरण को खींच दिया। क्या बोले आप सर, वापस बोलेंगे? हमने किरण को, आप जो भी मर्जी समझो, किरण जो बोल रही है हमारे कहने बोल रही है। क्या क्या नहीं समझ, किरण जो बोल रही है हमारी गाली बोल रही है, मैं मदन जी नहीं समझ गए। सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ आया अंकल आप क्या बोलना चाह रहे हैं। दीदी ऐसा है, देखो हम जो अगर किरण को बोलेंगे किरण वही बोलेगी। अच्छा मतलब आप जो किरण को बोलेंगे किरण वही बोलेगी, मतलब क्या? मतलब क्या, खाली व्यूज के लिए बस। वही वही, थैंक यू सो मच, आपने चीज बोली, थैंक यू सो मच।